हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन ज्ञानेश्वर क्लासेस। आज हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं उसी एक्सरसाइज 8.4 का, यानी कि ये आपका एक्सरसाइज 8.4 है। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हम क्लास 10th की मैथ ही समझाते आ रहे हैं, तो एक क्लास 10th का NCERT पैटर्न पर इसको सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन 5 दिया है, निम्नलिखित सर्वसंविधान सिद्ध कीजिए जहां भी कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसी को हमको प्रूव करना है। अब दिया है व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब कि 90 डिग्री से कम, यानी कि इन दोनों फंक्शन में थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम रखें तो इधर जितना है वैल्यू इधर भी उतना ही बराबर आना चाहिए। ये sec a, a थीटा की जगह पर a लिखा हुआ है, तो इसमें भी वैल्यू अगर 90 डिग्री से अंदर दोनों तरफ पुटअप करते हैं, जितनी डिग्री की वैल्यू इधर पुटअप करें और इधर इतनी डिग्री की वैल्यू पुटअप करें, तो क्या होगा कि दोनों तरफ बराबर ही आए और वही जो सॉल्व करने पर भी बराबर आना चाहिए, यानी कि LHS इक्वल टू RHS के बराबर आना चाहिए। इसीलिए दिया है जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण। सो गाइस, हम चेक करते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर फॉर्म लेकर के चले, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/ sin थीटा और कॉट थीटा का cos थीटा / sin थीटा होता ही है। तो गाइस 1 माइनस कॉस थीटा इसको करेंगे और साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ये आप क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा, और इस तरह से इसको दो बार लिखा गया है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा गया है। सो गाइस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दो दो बार है, तो इसको होल स्क्वायर कर लिए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में एक्सपेंड कर दिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ये हो गया। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पर है, यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं है एक की जगह पर, लेकिन ए का अगर स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, इसलिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में एक्सपेंड किया गया है। इसको कट ऑफ किया गया तो 1 माइनस कॉस थीटा इसमें से एक बच गया और 1 प्लस कॉस थीटा इसको लेकर के हमने यहाँ पर लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। सो गाइस ये हो गया RHS के बराबर। दूसरा है कॉस थीटा अपन 1 प्लस साइन कॉस ए अपन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन अपन कॉस ए इक्वल टू 2 से पे। सो गाइस LHS इक्वल टू हम ले लेंगे कॉस ए अपन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन अपन कॉस ए। सो गाइस कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर है 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, इसका जो है LHS लेने पर ये 1 प्लस साइन है कॉस स्क्वायर रहेगा और नीचे 1 प्लस साइन इंटू कॉस ए रहेगा ही। सो गाइस कॉस स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे खोलेंगे इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है और अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसको लिख करके हम गाइस यहाँ पे क्या करेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये होता है 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, 2 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और 1 प्लस साइन ए यहाँ पर लिख करके इंटू कॉस ए लिखेंगे और इस तरह से 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल होकर के 2 अपॉन कॉस ए हो जाएगा और इस तरह से गाइस 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख करके हम 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए को लिखेंगे sec ए और इस तरह से RHS के इक्वल हो जाएगा। तीसरा tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा, यहां पर हो जाएगा LHS बराबर tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। सो गाइस tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा के ऊपर 1 अपॉन tan थीटा प्लस cot थीटा का हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा और इस तरह से tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके और इस तरह से tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा यहाँ पे हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा
प्लस वन यहाँ से वहाँ इसको लिया गया है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और टेन थीटा इंटू वन माइनस टेन थीटा यहाँ पे सॉल्व करने पाया है। अब यहाँ पे क्या है कि माइनस ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस वन, और इसको उलटा गया है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह आ गया है, और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू वाले फार्मूले पर ए माइनस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर करके ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पर इसको एक्सपेंड किया गया, और इस तरह से वन माइनस टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा को कटा करके वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पे किया गया है, और इस तरह से टेन थीटा अपॉन टेन थीटा किया गया, और लेकर के यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा ये हो जाएगा, और टेन थीटा अपॉन टेन थीटा ये हो जाएगा। तो वन प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा इंटू सेक थीटा यहाँ पे हो जाएगा, वन प्लस सेक थीटा इंटू सेक थीटा, और वन अपॉन टेन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, वन प्लस सेक थीटा इंटू वन अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो वन प्लस सेक थीटा और कोसेक वन अपॉन साइन थीटा है, तो कोसेक थीटा हो जाएगा इक्वल टू आर एच एस, ये आर एच एस के बराबर हो जाएगा, वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा ये आर एच एस के बराबर हो जाएगा। सो गाइस ऐसे ही पहला दूसरा तीसरा हमने सॉल्व किया है, अब चौथा पाँचवा छठवां लेकर के दसवां तक फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइस, आप लोग एक्सरसाइज करते रहिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, सारा सारा कोर्स धीरे धीरे आराम से पूरा हो जाएगा। थैंक यू गाइस।